तीन देशों की यात्रा कर पीएम मोदी अब भारत लौट आए हैं। पीएम मोदी की विदेश यात्रा काफी सफल रही। इस दौरान वो जापान में G7 समिट से लेकर पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे थे। हर जगह पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी के सफल दौरे के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर कई अहम बातें बताई हैं और कहा कि आज दुनिया एक नया भारत देख रही है। पीएम मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ जब किसी देश के पीएम ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छुआ हो। ऐसा ही एक वाकया पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्वानीज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए द बॉस कहा, जिसे पूरी दुनिया ने सुना भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्वानीज ने पीएम मोदी को द बॉस कह तो दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर एंथनी एल्वानीज ने पीएम मोदी को द बॉस क्यों बुलाया? इसका खुलासा किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को द बॉस कहकर पुकारा। जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी को द बॉस कहकर पुकारना ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्वानीज के भाषण में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये उनकी भावना थी। इस बारे में खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जयशंकर को बताया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस, दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, तो उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूँ, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है। इसी तरह जयशंकर ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे का भी जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी का पैर छूकर स्वागत किया था। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का स्वागत करने से पहले पापुआ न्यू गिनी के पीएम भारत के राजदूत से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को केवल अतिथि नहीं मानता, मेरे लिए वो केवल एक और मेहमान नहीं है बल्कि विश्व गुरु है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उनका स्वागत किया, ये चित्र तो आप सबने देखा था। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु है। और जो आदर सम्मान जो था, वो ना केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। जयशंकर ने इन सारी बातों को याद करते हुए कहा कि दुनिया के इन राष्ट्राध्यक्षों की सोच सिर्फ उनकी सोच नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया की सोच थी। ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत को दिखाता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।